और हमारी चैनल इंडियन सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नंबर एक, प्रेम चोपड़ा। 27 दिसंबर 1935 को लाहौर के जन्मे प्रेम चोपड़ा ने हिंदी फिल्म का अपना सफर 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुड़ मुड़ के ना देख से शुरू किया था। 1964 में रिलीज हुई राज खोसला की वो कौन थी, प्रेम चोपड़ा ने पहली बार विलन का रोल किया। 1967 से 1995 तक वे भारतीय फिल्म के लीड विलन बने रहे। विलन के रूप में उनकी ज़्यादातर फिल्में राजेश खन्ना के साथ रही थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्सर मजाक में राजेश खन्ना को बोला करते हैं कि आपकी हीरोइन कौन है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस विलन प्रेम चोपड़ा होना चाहिए। इन्होंने राजेश खन्ना के साथ 19 फिल्मों में काम किया जिसमें से 15 फिल्में सुपरहिट रहीं। प्रेम चोपड़ा की हर फिल्म में उनका एक खास डायलॉग हुआ था जिसे वे पूरी फिल्म में दोहराते रहते थे। उनका यही स्टाइल उनकी फिल्मों की जान हुआ करता था। प्रेम चोपड़ा का सबसे फेमस डायलॉग फिल्म बॉबी का है जिसमें वे कहते हैं, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा की प्रमुख फिल्में बॉबी, खेल वो कौन थी, दोस्ताना, कटी पतंग, दुल्हे राजा, राजा बाबू, नसीब, जुगनू, राम बलराम, शहिनशाह, आज का गुंडा राज, सौतन अंधा, कानून, झुक गया आसमान, बारूद, रंजीत। बॉलीवुड के एक और चहेते विलन रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी है। इन्हें इंडस्ट्री में प्यार से गोली कहकर भी बुलाया जाता है। इन्होंने हिंदी फिल्मों में सावन भादो से डेब्यू किया था जिसमें रंजीत ने रेखा के भाई का किरदार निभाया था। सुनील दत्त साहब ने कहने पर नाम बदल लिया। रंजीत ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 150 रेप सीन किए हैं। एक बार जब उनका परिवार उनके साथ फिल्म शर्मीली देखने गया और उन्होंने रंजीत को फिल्म में हीरोइन के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा तो सभी घर वाले नाराज हो गए और उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। जब बाद में बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिल्म की हीरोइन राखी की मदद से घर वालों को समझाया कि यह सिर्फ एक्टिंग थी और फिल्म की कहानी की मांग थी। रंजीत की बहुत से फिल्मों में और एक चर्चित विलन और भारतीय सिनेमा के नारद मुनि जीवन ने उनके पिता का किरदार निभाया। रंजीत की कुछ प्रमुख फिल्में शर्मीली, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल, कोयला शराबी, राज तिलक, बुलंदी, डाकू और जवान, उलझन, इकलाम, गजब, धर्मवीर, अमरीश पुरी। 450 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं बॉलीवुड के मोगैम्बो। भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय खलनायक हैं। 1970 के दशक में अमरीश पुरी अपने खलनायकी के सफर की शुरुआती दौर में थे और अधिकतर फिल्मों में मुख्य खलनायक के खास आदमी का रोल किया करते थे। 1980 में रिलीज हुई फिल्म हम 5 में इन्हें मुख्य विलन का रोल मिला और इसके बाद वे फिल्म मेकर्स के पसंदीदा खलनायक बन गए। 1988 में शिखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया का किरदार मोगैम्बो अमरीश पुरी का सबसे यादगार रोल रहा। इस फिल्म में अमरीश पुरी का एक खास डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ बहुत लोकप्रिय हुआ था। अमरीश पुरी की कुछ फिल्में जो प्रमुख हैं, मिस्टर इंडिया, मेरी जंग, त्रिदेव, खलनायक, घायल, दामिनी, कोयला, बादशाह, गदर और करण अर्जुन। शक्ति कपूर अपने अभिनय में खलनायकी के कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो शक्ति की पहली फिल्म खेल खिलाड़ी थी लेकिन खलनायकी के सफर की शुरुआत उन्होंने कुर्बानी और रॉकी से की। शक्ति कपूर एक ऐसे खलनायक रहे हैं जो स्क्रीन पर आते ही दर्शकों को गुदगुदाने लगते थे। खलनायक होते हुए भी शक्ति कपूर पूरी फिल्म में किसी खास डायलॉग को बार बार दोहराते थे जो दर्शकों को हंसा हंसा के लोटपोट कर देता था। ऐसा ही कुछ डायलॉग है तोहफा फिल्म का, आओ ललिता, जमाई राजा का पप्पू चला चप्पू और चालबाज का मैं नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ।
1990 के बाद उन्होंने कई कॉमेडी के किरदार भी निभाए जिन्हें बहुत पसंद किया गया। ऐसी ही कुछ फिल्में रही हैं अंदाज, राजा बाबू, हलचल, चुप चुप के, हंगामा, अंदाज, अपना अपना, कुली नंबर वन और मालामाल वीकली में। शक्ति कपूर की कुछ मुख्य फिल्में जैसी करनी वैसी भरनी, हीरो, हिम्मत वाला, मैं खिलाड़ी, तू, अनाड़ी, किस्मत, कुर्बानी, कातिल, आंखें काली की सौगंध और अंगारे। अजीत, अजीत का पूरा नाम हामिद अली खान था। बतौर नायक अपने करियर की शुरुआत करने वाले अजीत ने लगभग 200 फिल्मों में काम किया। 1973 में पहली बार इन्होंने फिल्म सूरज में खलनायक का किरदार निभाया और उसके बाद उन्होंने खलनायक को एक नए अवतार में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने एक ऐसे खलनायक के रूप में अपने आप का पेश किया है जो इंग्लिश बोलता था, पार्टियों में जाता था और महंगे कपड़े पहनता था। एक्टिंग के साथ में उनकी संवाद अदायगी का अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आता था, जिसके कुछ फेमस डायलॉग रहे थे, मोना डार्लिंग, लीली डोट बी सिली, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। अजीत की प्रमुख फिल्में सूरज, काली चरण, यादों की बारात, चरस, जुगनू, जंजीर, राम बलराम और राज तिलक। प्रेण, बहुमुखी प्रतिभा के घनी अभिनेता प्रेण ने जहां एक तरफ एक से बढ़कर एक चरित्र किरदारों को निभाया है, वहीं उनके जीवन का एक दौर ऐसा रहा जब वह विलन के किरदार के लिए फिल्म डायरेक्ट की पहली पसंद हुआ करते थे। उनके निभाए गए किरदारों का उनके नाम पर कुछ ऐसा प्रभाव था कि लोग अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा करते थे और उस दौर में जन्म लिए बच्चों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके माँ बाप ने उसका नाम प्राण रखा होगा। प्राण की फिल्मों के एक खास बात यह थी कि फिल्म के कलाकारों के टाइटल्स में उनका नाम सबसे आखिरी में लिखा जाता था। सन 2000 में स्टारडम के अवार्ड से नवाजा प्राण ने अपने करियर की शुरुआत 1940 में पंजाबी फिल्म यमला जट से की थी, लेकिन उनकी पहली हिंदी फिल्म 1942 में रिलीज हुई थी जिसका नाम खानदान था। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में आज़ाद, राम और श्याम, जिद्दी, जब प्यार किसी से होता है, आहा, चोरी चोरी, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, कश्मीर की कली, राजकुमार, हॉफ, टिकट, शेट्टी, शेट्टी का पूरा नाम है एम बी शेट्टी था। आज के मशहूर फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के पिता एम बी शेट्टी अपने दौर के बड़े खतरनाक खलनायक हुआ करते थे। बेहद कम संवाद अदायगी के साथ वह फिल्मों में मुख्य खलनायक के खास आदमी राइट हैंड के रोल में नजर आया करते थे, जिसका काम अपने बॉस के आदेश पर कत्ल करना होता था। अपने गंजेपन के साथ शेट्टी फिल्म के पर्दे पर गजब का प्रभाव पैदा करते थे। शेट्टी की कुछ प्रमुख फिल्में किस्मत, इन इवनिंग इन पेरिस, पेरिस डॉन, यादों की बारात और ए एन सिंह एक ऐसे कलाकार थे जो बिना बोले भी आंखों से संवाद अदायगी के कला जानते थे। पर्दे पर वे चेहरे और आंखों के भाव से बिना कुछ मुंह से बोले ही बहुत कुछ कह जाते थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1936 में फिल्म सोनार संसार से की थी। के एन सिंह ने लगभग 200 फिल्मों में काम किया और ज़्यादातर फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। फिल्मों में उनके निभाए किरदार का प्रभाव कुछ ऐसा था कि जब एक वे किसी मित्र के कहने पर किसी के घर पहुँचते तो दरवाज़ा खोलने वाली महिला दरवाजे पर के एन सिंह को खड़ा देखकर डर के मारे जोर से चिल्ला भाग गई। के एन सिंह की कुछ प्रमुख फिल्में ज्वार भाटा, चलती का नाम गाड़ी, अम्रपाली, इन विनिंग इन पेरिस, हावड़ा ब्रिज, सी आई डी, अवारा और जाल। गुलशन ग्रोवर, बॉलीवुड के बैडमैन यानी गुलशन ग्रोवर को राम लखन में बहुत पसंद किया गया। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम विलन ग्रोवर ने अपने करियर की शुरुआत 1980 में फिल्म हम पांच से की थी। गुलशन ग्रोवर ने खलनायकी की
बारीकियां प्रेमनाथ और अमरीश पुरी जैसी खलनायकों की फिल्में देखकर सीखी। इन्होंने केवल हिंदी बल्कि हॉलीवुड, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश और नेपाली फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों के साथ ही गुलशन ग्रोवर ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी खलनायक के रोल करने शुरू कर दिए हैं। वेब सीरीज योर ऑनर 2 में खलनायक के रूप में नजर आने वाले हैं। गुलशन ग्रोवर की प्रमुख फिल्में मोहरा, रामलखन, सौदागर, तहलका, विजयपथ, सबसे बड़ा खिलाड़ी, हेरा फेरी, एजेंट विनोद, सड़क 2, 10, गैंगस्टर, विश्वात्मा, आंखें, शोला और शबनम, राजा बाबू और सूर्यवंशी, प्रेमनाथ। 1926 में पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे प्रेमनाथ रिश्ते में हिंदी फिल्मों के शो मैन, राज कपूर और मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा के साले हैं। 1948 में उन्होंने फिल्म अजीत से डेब्यू किया। प्रेमनाथ ने जिन फिल्मों में लीड रोल निभाया उनमें से ज़्यादातर फिल्में कुछ खास नहीं चली, लेकिन जिन फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया वह सभी फिल्में सफल रहीं। खलनायक के रूप में ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने रहीद खलनायकों का किरदार निभाया था। 1970 में प्रेमनाथ ने राज कपूर की फिल्म बॉबी में डिम्पल के पिता की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। प्रेमनाथ की कुछ प्रमुख फिल्में तीसरी मंजिल, जॉनी मेरा नाम, राजा जानी, धर्मात्मा, जीवन 1915 में कश्मीर में जन्मे जीवन का असली नाम ओकारा नाथ धर था। इनके दादा कश्मीर के गिलीगिंत में गवर्नर थे। 18 साल की उम्र में जीवन फिल्मों में काम करने के लिए घर से भागकर मुंबई आ गए। 60 और 70 के दशक में जीवन ने बहुत से फिल्मों में इन्होंने विलन का रोल निभाया। इसके साथ ही उन्होंने लगभग 60 फिल्मों में नारद मुनि का रोल भी किया। फिल्म अमर अकबर एंथनी में उन्होंने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई, जिसे बहुत पसंद किया गया। जीवन अपनी फिल्मों में एक खास ढंग से डायलॉग दिया करते थे, जिसे यही उन्हें दूसरे खलनायकों से अलग बनाता था। जीवन की प्रमुख फिल्मों में धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, आंखें हमराज, नया दौर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल इंडियन सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।